जय श्री राम। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अड़ोन। तो फिर आज आपको पता ही होगा रामनवमी है, तो फिर इसीलिए मैं आपको एक और अड़ोन बताऊंगा। ये अड़ोन बहुत ही मस्त होने वाला है। ये अड़ोन बना है MS गेमिंग ने, और इसमें आपको सारे के सारे गॉड्स के छोटे छोटे जो है आपको मूर्तियां टाइप मिल जाएंगे माइनक्राफ्ट में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। नाइट बनाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं क्रिएटिव कर देता हूँ। बस इतना ही नहीं, मैं आपको राम मंदिर बना के भी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा राम मंदिर कैसे बनाते हैं माइनक्राफ्ट में। और यहाँ पे वर्ल्ड टाइप में फ्लैट ही ले लेता हूँ, और इसमें सीट की तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे टीयर के एक्सप्लोर ऑफ कर देता हूँ, फायर स्पेस भी ऑफ कर देता हूँ, शो कोऑर्डिनेट्स को ऑन। और उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज डे भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बिहेवियर पैक्स में जाता हूँ। और यहाँ पे माय पैक्स में आपको दिख रहा होगा गॉड्स एडॉन, यहाँ पे जो है ये जो एडॉन है आपको मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है MS गेम की, और इस एडॉन की वो डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है। तो अब इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ कंटिन्यू। और यहाँ पे देखो एक्टिव है, डिफॉल्ट जो माइनक्राफ्ट का एडॉन होता है वो है, और यहाँ पे गॉड्स एडॉन हो चुका है एक्टिवेट। और अब वर्ल्ड को कर देते क्रिएट। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट वर्ल्ड जो बन चुका है, और यहाँ पे स्लाइम्स पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे आपको जाना है सर्च में, और यहाँ पे ओके। सो यहाँ पे जैसे ही मैं राम सर्च करता हूँ, वैसे यहाँ पे देख सकते हो श्री राम यहाँ पे है। सो ये मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। सो गाइस, यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया है बहुत मस्त। और अब यहाँ पे मैं ऐसे ये जो मूर्ति है इसको रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो सब जगह से एकदम मस्त यहाँ पे MS गेम ने जो ये अड़ोन ने बनाया है। और ये मतलब वन ब्लॉक में भी हो जाता है, एक ब्लॉक पर भी ये खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर धनुष वगैरह दिखेगा नहीं, वो ब्लॉक में अटक जाएगा। इसलिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि चार पाँच ब्लॉक्स का आपको प्लेटफॉर्म लगेगा इसके लिए। और इसमें हम पोज भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्राउच करना है और इसके ऊपर जाना है, यहाँ पे पोज भी कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे एक एक्शन यहाँ पे बन जाती है, अगर आपको कोई शो वगैरह दिखाना हो तो। और वापस से क्राउच करके पोज किया तो नॉर्मल हो जाता है। फिर से एक बार पोज करते हैं, क्यों बोल रहा, कभी कभी ये काम नहीं करते। इसको हटाने के लिए बस उस पर एक बार क्लिक करना है। ये देखो ऐसे लगाया और ऐसे हमारे पास वापस आ जाते हैं। और अब इसको हम इक्विप भी कर सकते हैं, इक्विप करने से हम उसे मतलब ले सकते हैं हाथ में, और भी उसके पीछे इक्विप करके उसके पीछे हम हाथ में यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको इसके साथ पोज दिखाती हूँ। सो देखो ऐसे ये पोज हो जाती है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें मंदिर कैसे बनाते हैं राम।
में वायु लिख देते हैं सोया, तो फिर यहाँ पे सारे के सारे जितने भी उस एडॉन में आते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक चाहिए होगा, शायद वो इसके अंदर नहीं है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। सो गाइस, अब ये जो चीज है ये ऑप्शनल है, तो यहाँ पे एक हमें ऐसा एक ये मिलेगा, एक इंसान मिलेगा जो कि आरती कर रहा होगा, ऐसे वो जो अपने अपने को घुमा रहा होगा ऐसे ऐसे। तो ये ऑप्शनल है, अगर इस एडॉन में गॉड्स एडॉन में नहीं आते उसके लिए हमें एक अलग एडॉन लेना पड़ता है। उसका उसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और उसका एक वीडियो भी डाला था मैंने, और ये है छत्रपति शिवाजी महाराज एडॉन। तो इसका मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था, तो फिर उसमें भी मैंने लिंक को दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को दे रहा हूँ मैं। सो अब वो जो एडॉन मैंने इसके अंदर ले लिया है, और और ये खत्म भी नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। सो आप देख सकते हो ये कभी भी खत्म नहीं होता इसके पास। सो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और हम यहाँ पे एक और रूम यहाँ पे बना देते हैं। Okay.